एक तरफ भारत ने ईस्टर्न सेक्टर पर चीन की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम एक और मुंबई जैसा हमला नहीं होने दे सकते। यूएन में आतंकवाद पर चल रही बहस के दौरान एस जयशंकर ने 26/11 मुंबई हमले के दौरान मैडम कामा अस्पताल में तैनात उस नर्सिंग ऑफिसर को डिबेट में शामिल किया जिन्होंने उस दिन आतंकियों की फायरिंग के बीच कई मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया था और बाद में कसाब की पहचान भी की। काउंसिल की बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने दोनों दिन पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ते तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साल सिक्योरिटी काउंसिल में साल 2028-29 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भारत इस वक्त अध्यक्षता कर रहा है जो दिसंबर में खत्म हो रही है और इस मौके पर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि उनके देश को ये तय करना है कि वो कब तक आतंक फैलाते रहेंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश आज विजय दिवस मना रहा है, 1971 की जंग में पाकिस्तान पर विजय का दिन। 16 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था और जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय जाबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी जंग के 51 साल बाद विजय दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान को दोहरी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सरेंडर की यादों ने जहां उसकी नींद उड़ा दी है, तो वहीं न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में हो रही बहस ने उसे बीच बाजार खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को उपदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन से लेकर 26/11 के मुंबई हमलों की याद दिलाकर ऐसा आईना दिखाया कि वो दुनिया के सामने पानी पानी हो गया। इंडिया फेस्ड द हॉरर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड टुक सीरियस नोट ऑफ इट। ओवर द डेकेड्स वी लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन लाइव्स, बट वी फॉट टेररिज्म रेजोल्यूटली, ब्रेवली एंड विद अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड, वी कंसिडर that even a single attack is one too many and even a single life lost is one too many. So we will not rest till terrorism is uprooted. That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. It is most of all for the Security Council to lead the global response in this regard. Videsh Mantri S. Jayashankar ne puri duniya ke samne Pakistan ko benakab kar diya. S. Jayashankar ne wo kiya jo UN Security Council ne abhi tak nahi dekha tha. विदेश मंत्री ने मुंबई के कामा अस्पताल की उस नर्स को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया जिसने 26 नवंबर 2000 की रात आतंक का खौफ अपनी आंखों से देखा था। कामा और एल्बस अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर एवी कुल्थे ने उस दिन का जो भयानक मंजर बयान किया उससे सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जिस तरह गोलियों की बौछारें हो रही थी, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, कल की सुबह देख पाएंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन ये वक्त मेरा है और इसमें मुझसे जो जितना बन सके वो मुझे करना है। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी, एक जुनून था जो मुझसे ये सब करवा रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बेनकाब होने के बाद मोर्चा पाकिस्तान के पत्रकारों ने संभाला, विदेश मंत्री को फिर घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message. भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है, जहां आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बहस चल रही है। इसी दौरान विदेश मंत्री ने पहले दुनिया के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए आतंकियों की तुलना उन सांपों से कर दी जिन्हें पाकिस्तान दशकों से पालता आ रहा है। I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. And Hina Rabbani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. And you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. UN Council की बहस में विदेश मंत्री ने नाम लिए बिना चीन को भी घेरा। विदेश मंत्री ने काउंसिल को याद दिलाया कि कैसे आतंक के आकाओं को बैन करने की हर कोशिश पर कुछ देश रोड़ा लगाते हैं, और दुनिया को आगाह किया कि ये कदम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत का 2 साल का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में गरजते हुए पाकिस्तान की पोल खोलकर दुनिया के सामने दिखा दिया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।